हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है पानी पूरी की चाट। तो यहाँ पे हमने 5 आलू ले लिए और उसे कुकर में हम डाल देंगे और उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 से 2 सीटी आ गई है और हमारे आलू देखिए बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसका छिलटा उतार के इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे आलूओं को मैश कर लेना है बारीक बारीक। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करना है और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना है। अब दूसरी तरफ हम तेल गरम होने रखेंगे और उस तेल में हम हमारी पानी पूरी तल के निकाल लेंगे। ये फूली फूली सी तल गई है। अब इसमें बीच में से चाकू की हेल्प से हमें छेद कर लेना है और उसमें हमारा आलू का मिश्रण भर लेना है। एक एक करके हम सब चीज़ उसमें ऐड करेंगे और अब इसमें चॉप किया हुआ बारीक प्याज भी अंदर अच्छे से भर लेना है। अब ये हमने इसमें दही ऐड किया है, दही से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने चाट मसाला छिड़क दिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसमें अंदर चले जाए ऐसे हमें मिलाना है। अब इसमें हमने टमाटर सॉस और ये टमाटर सॉस थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऐड कर दिया है और ये इमली की चटनी जो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लाएगी वो ऐड कर दिया और इसके ऊपर से हमने गार्निश के लिए सेव ऐड कर दी। तो गाइस, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।